यूपीएससी में करंट अफेयर्स की क्या रेलिवेंस है और करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है अगर ये आपका सवाल है देन दिस वीडियो इज गोइंग टू टू हेल्प यू गई नमस्कार आई एम नील आई इन एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ओन चैनल तो करंट अफेयर्स और यू के अंदर इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा चुका है पूरी मार्केट के अंदर कि इस टाइम पे वो कन्फ्यूजन मीम कल्चर का भी पार्ट बन चुका है आई थिंक ऑल ऑफ यू वूड सीन दैट वीडियो बाई द फेमस कॉमीडियन हुट लिख लेता हूँ कहीं यू पी एस सी में ना जाए विच ओनली गोज आउट शो कि यू पी एस सी में कुछ भी आ सकता है मीम कल्चर को देखना खुश होना एक बात है लेकिन उसके हिसाब से इफ़ यू आर मेकिंग योर रियालिटी यू आर ओनली मेकिंग योर लाइफ डिफिकल्ट फॉर योर सेल्स तो इन सारी मिथ्या को दूर करने के लिए आई एव डिसाइडेड टू क्रिएट दिस सीरीज जहाँ हम पहली वीडियो के अंदर बड़ी क्विकली एक स्ट्रेटेजी की बात करेंगे और आने वाली वीडियोस के अंदर हम उस स्ट्रैटेजी की एप्लीकेशन के साथ उसके आउटपुट को देखने की कोशिश करेंगे दो महत्वपूर्ण सवाल दैट नीड टू बी आंसर्ड एट दिस पॉइंट टाइम कि सबसे पहले कि करंट अफेयर्स पढ़ना कितना चाहिए हाउ मच शुड बी स्टडीड और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल वो जो हाउ मच है उसको पढ़ना कैसे है हाउ डू वी हैव टू स्टडी करंट अफेयर्स तो जो पहले वाला पार्ट है हाउ मच उसके लिए मैं पहले ही एक सुझाव दे देता हूँ यू डोंट हैव टू स्टडी फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट ऑफ योर टाइम रीडिंग करंट अफेयर्स और ये नंबर पचास से साठ परसेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले छः साल की साइकिल में लोगों को ये गलती करते हुए देखा है पचास से साठ परसेंट टाइम लोग करंट अफेयर्स में ज़ाया करते हैं और ज़ाया इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी एग्जाम के साथ कोई रेलिवेंस नहीं है और वो वो रेलिवेंस क्यों नहीं है वो मेरे मन की बात नहीं है यू गो टू दी प्रीवियस क्वेश्चन एंड यू विल सी सी दी रियलिटी फॉर योर सेल्स सो मच सो दैट दो हजार तेईस के जी एस वन की मैंने फ्री एनालिसिस करके डाल रखी है यू विल फाइंड द लिंक ऑन द टॉप राइट सेक्शन राइट नाउ जिसके अंदर यू कैन क्लियरली सी कि जो सवाल करंट अफेयर्स के लोग कह रहे थे कि 50 से 60 परसेंट करंट का सवाल था वो सारे सवाल बेसिक सोर्सेज की एप्लीकेशन के सवाल थे करंट का सवाल तो उसको मार्केट ने अपने फायदे के लिए बना दिया है जब पहली ये बेस लाइन एस्टैब्लिश हो जाए कि पचास से साठ नहीं लगभग लगभग बीस से पच्चीस से ज़्यादा किसी भी टॉपिक को करंट अफेयर्स के लिहाज से फोकस करने की जरूरत नहीं है अगला सवाल हाउ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट तो जहां तक बात न्यूज़पेपर की है न्यूज़ पेपर को कैसे पढ़ना है करंट अफेयर्स के लिहाज से उसके लिए आई हैव सेपरेट मीडिया सीरीज ऑलरेडी आई विल पुट द लिंक ऑफ प्ले लिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन गो मजे से देखो एंड यू कैन रियलाइज की न्यूज़ पेपर को कैसे बीस मिनट के अंदर पढ़ना है इस करंट सीरीज सिंस अभी सीजन प्रीलीम्स का है एंड पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग पी टी पी टी थ्री सिक्सटी फाइव लोग रेफर करते हैं तो पी टी को कैसे कम से कम समय में एक रिवाइजेबल फॉर्मैट में कन्वर्ट किया जाए ताकि हमको पेपर क्लियर करने में मदद मिले क्योंकि एंड गेम बड़ा साफ होना चाहिए दैट इज टू क्लियर द एग्जाम एंड नथिंग एल्स आजकल कल यूट्यूब पे व्यू बटोरने की बहुत एक नई तकनीक आ गई है जिस पे लोग एक बीस पेज पीटी के सेक्शन का निकाल देते हैं और उसको आठ घंटे में गुनगुना के एक एक लाइन पे थीसिस करके बच्चे को दे देते हैं एंड स्टूडेंट ऑल्सो इज वेरी हैप्पी थिंकिंग की वो तैयारी कर रहे इस एग्जाम साइकिल में इतने साल रहने के बाद मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि अगर व्यक्ति को टाइम वेस्ट करना है या तो वो घूमने फिरने में टाइम वेस्ट करे या तो वो सोने में टाइम वेस्ट करे क्योंकि नंबर वन उसको पता है कि नंबर वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो एग्ज़ाम से इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है और नंबर टू कम से कम इन एक्टिविटीज से वो एनर्जाइज तो हो रहा है राधर देन वॉचिंग समन्स यूट्यूब वीडियो जिससे ना तो एनर्जाइज वो हो पा रहा है ना ही तो उसको एग्जाम क्लियर करने में कोई मदद की यू नो मदद मिल पा रही है तो हम क्या करेंगे हम जल्दी से एक पहले मैं एक आउटकम दिखा देता हूँ हाउ विल दी एंड गेम लुक लाइक ये लगभग लगभग डेढ़ सौ से दो सौ पेज की लास्ट ईयर की पीटी थी जिसको मैंने पाँच पेज के अंदर कंपाइल uh, कर दिया था एंड दिस ईयर्स पी टी विल ऑल्सो लुक समथिंग लाइक दैट बाई एंड ऑफ इट हमको सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें दैट वी के नॉट डू यूजिंग कॉमन सेंस एंड दैट वी के नॉट यू नो दैट आर नॉट कवर्ड इन द बेसिक सोर्स सिर्फ उन चीज़ों को यहाँ लिखेंगे समझेंगे कि हम उस 200 पेज से इन पाँच पेज तक कैसे आए और प्रोसेस ऐसा रहेगा कि आई एम यूट टू पिक सर्टन सेक्शंस पी टी के या तो साइंस एंड टेक एनवायरमेंट के कुछ टॉपिक्स उठा लूंगा और वहां पे आई विल नीड योर हेल्प हेल्प बड़ी साफ सी है इफ यू थिंक दिस वीडियो सीरीज कैन हेल्प यू आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू शो योर सपोर्ट बाय लाइकिंग द वीडियो सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड शेयरिंग द वीडियोस अगर इफ यू हैव अ सजेशन कि एनवायरमेंट की पीटी का चौथा टॉपिक उठा के उसको लाइव डेमोस्ट्रेशन में दिखा दो देन प्लीज गो टू द कमेंट सेक्शन लेट मी नो कि कौन कौन से टॉपिक्स यू वांट मी टू कवर क्योंकि लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में वी कांट डू द एंटायर पीटी बड़े क्विकली बड़े क्रिस्पली हम बड़े कुछ सर्टेन टॉपिक्स को रेफर करेंगे यहाँ सैंपल दिखाएंगे प्रोसेस क्या है आई वुड एक्सपेक्ट की वो सैम्पल प्रोसेस यू ऑल्सो फॉलो एट योर एंड और नहीं अगर फॉलो भी करना है तो मैं बैक एंड पे वो सारे सैम्पल प्रोसेस को स्केल करके ऐसा डॉक्यूमेंट भी दे दूंगा इंपॉर्टेंट पीटीज का आई रियली होप दैट दी सीरीज हेल्प यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन गो टू दी अगेन कॉमेंट सेक्शन और यू कैन गो टू आवर टेलीग्राम चैनल एट द रेट यू पी एस सी नील यू नो दिस इज द लिंक ऑफ द चैनल जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट वी गाइड स्टूडेंट्स ऑन टेलीग्राम आई विल सी यू रियली सून जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ एंड लेट्स स्टार्ट अपलाइंग The process on the ground. Take care. Jai Hind.